हेलो फ्रेंड्स, साने किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी का डोसे की रेसिपी। तो देखिए, सूजी का डोसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये एक बार मैंने सूजी ली है। अगर बजट में देखें तो ये 100 ग्राम है। तो इसको हमने इस मिक्सी के जार में डालेंगे और साथ ही हमने डालना है इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन। और बेसन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये थोड़ा सा बाइंडिंग का काम करेगा। तो ये हमने 2 चम्मच बेसन ले लेते हैं इसमें। और साथ ही हमने लेना है 1/2 चम्मच ये शुगर पाउडर। इसको चीनी को पीस कर मैंने पाउडर बना लिया है। तो इसमें हमने 1/2 चम्मच डाल दिया है और इसको हमने सूखे ही ग्राइंड करेंगे। देखिए, हमने अपनी सूजी को ग्राइंड कर लिया है और बहुत अच्छे से ये सूजी का पाउडर बन गया है। और ये हमने इस पाउडर में निकाल लेते हैं सारा पाउडर, ये जो हमने सूजी को ग्राइंड किया है। तो ये देखिए, हमारा अच्छे से हो गया है। और अब इसमें हमने डालना है 1 बाउल दही, ये हमने इसमें डाल दिया है। और साथ ही हमने डालना है इसमें नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए, दही अच्छे से हमने फेंट दिया और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ही पानी डाला है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा हमने और पतला नहीं करना है। तो इसको कम से कम हमने 20 मिनट को रखेंगे, जिससे कि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से दही और पानी को एडजस्ट कर ले। और जब तक हमारे ये थोड़ा रेस्ट कर रहा है, तो हम इसके डोसे के आलू तैयार करेंगे। ये मैंने 4 आलू लिए हैं डोसे के। तो इसको हमने काटे हैं पीसेस में। तो ये मैंने बॉइल किए हुए हैं। तो ये देखिए, हमने छोटे छोटे इसको काटना है। देखिए, हमारे आलू कट गए हैं और इसके बनाते हैं सब्जी। ये डोसे के आलू बनाने के लिए ये मैंने पैन रख दिया है और इसके अंदर हमने 2 चम्मच ये ऑयल लिया है। और ये मैंने छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर हमें थोड़ा सा ज़ीरा डालना है। तो ये 1/2 चम्मच से भी कम ज़ीरा है। और इतने ही हमने इसमें राई डालनी है, ये सरसों हैं, तो ये हमने इसमें डाल दी है। साथ ही हमने डालना है इसमें करी पत्ता, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। और साथ ही हमें लेना है ये प्याज दिया है मैंने। ये एक प्याज मैंने मीडियम साइज का ले लिया था, इसको मैंने स्लाइस में कटे स्लाइस में काटा हुआ है। तो प्याज को हमने ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा पिंक कलर का करेंगे, फिर सॉफ्ट करना है इसको। तो ये देखिए, हम हल्के से प्याज शुरू हो गई है पिंक कलर की, लेकिन अभी 1 से 2 मिनट और हम इसको करेंगे। देखिए, प्याज हमारी हो गई है, इससे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। और मैंने यहाँ पे लिए है ये करी, देखिए ये मैं ले रही हूँ सांभर पाउडर, MDH का सांभर पाउडर। इसमें हमने 1/2 चम्मच सांभर पाउडर डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। और साथ ही हमने डालना है इसमें नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और हल्की से 1 से 2 पिंच में ये लाल मिर्च ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको हल्का सा लगा के और पके के हमने इसमें आलू डाल देने हैं। और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको रोस्ट करना है बस। हमारे आलू इतने मज़ेदार बने हैं, बहुत ही टेस्टी आलू बने हैं हमारे डोसे के। तो चलिए, इसको गैस को बंद करते हैं। 1 से 2 मिनट हो गए हैं हमारे आलू को रोस्ट होते हुए। तो चलिए, इसको बंद करते हैं और बनाते हैं नारियल की चटनी। देखिए, नारियल की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये मिक्सी का जार ले लिया है और ये मैंने थोड़ा सा नारियल लिया है। तो नारियल को मैंने ये छील लिया था, क्योंकि नारियल ऐसा होता है। तो ये मैंने छील के इसको बारीक काट लिया है और इसके अंदर हमने डालना है। और साथ ही हमने डाले हैं कुछ ये कड़ी पत्ते के पत्ते। और साथ ही मैंने एक हरी मिर्च ली है, इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। और ये 1 चम्मच मैंने ये भुने हुए चने लिए हैं, ये हमने इसमें डाल दिए हैं। साथ ही हमने लेना है नमक, हमने नमक डाल दिया है। और इसके अंदर में डालना है थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो इसके अंदर में अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अदरक पसंद नहीं है। तो चलिए, इसकी बनाते हैं चटनी। देखिए, हमारी नारियल की चटनी बन गई है, बहुत ही मज़ेदार हमारी नारियल की चटनी बनी है। ये हमने इस बाउल में निकाल लेते हैं सारी चटनी को। और चलिए, बनाते हैं अपना सूजी का डोसा। चेक करते हैं अपनी सूजी को। देखिए, हमारी चटनी अच्छे से बनकर तैयार हुई है नारियल की। और इसके अंदर मैंने नारियल की चटनी में हम तड़का लगाएंगे हम राई कड़ी पत्ता का। देखिए, पैन को हमने गैस पर रख दिया है और इसके अंदर हमने डालना है ये 1 चम्मच ऑयल, इससे ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लेना है। और साथ ही हमने लेना है इसमें राई,
और ये राई मैंने बहुत थोड़ी सी ली है, साथ ही लेना है हमने कड़ी पत्ता। हमने इसमें डाल देते हैं, इससे हमारी जो नारियल की चटनी है बहुत ही मज़ेदार बनी है। और अब बनाएंगे हम अपना सूजी का डोसा। देखिए डोसे को हम डोसे के बैटर को हमने चेक करना है, तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हमारा डोसे का बैटर तैयार हो गया है और ये बहुत ठीक है। अभी इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इस अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, हमने अपने बैटर को अच्छे से 5 मिनट अच्छे से घोल लिया है और ये बहुत ही अच्छी कल्फी हो गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है डोसा बनने के लिए, तो चलिए बनाते हैं डोसा। देखिए सूजी डोसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये नॉनस्टिक पैन ले लिया है और ये गैस पर रख दिया है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े से हमने बस 2 से 3 बूंद डाले हैं। और इसको अच्छे से हमने इसको साफ करना है ये टिश्यू पेपर से। अच्छे से साफ़ कर दिया, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी का छींटा डालना है, जिससे कि हमारा जो तवा है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगा। तो इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसके अंदर हमने डाला है ये सूजी का जो हमने बैटर बना के रखा है, ये हम इसके अंदर डालेंगे और बहुत ही मज़ेदार हमारा डोसा बनेगा। इसको अच्छे से सारे फुलाना है। अब हमने अपने डोसे के ऊपर में ये ब्रश की मदद से इस पर ऑयल लगाएंगे, आप चाहें तो इसके ऊपर बटर भी लगा सकती हैं। और ये बहुत ही आराम से लगाना है। ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा पतला सा डोसा बना है, इससे ज़्यादा हमने नहीं लगाना है ऑयल को। और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने के तक पकाएंगे, अभी हमने इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। देखिए हमारे डोसे में के अंदर में कितना अच्छे से कलर आ गया, ये गोल्डन कलर। और इस टाइम पे मैं ये डोसे को निकाल लेती हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल भी हमारा डोसा चिपका नहीं है, बहुत ही बढ़िया सा हमारा डोसा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो चलिए इसको हमने निकालना है, बाकी का डोसा के बनाते हैं। इसके अंदर में हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया है और मैं इस तरह से बनाऊंगी, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। बाद में हमने इसको ऊपर से ग्रीस करना है ब्रश की मदद से। देखिए हमारे डोसे बनकर तैयार हो गए हैं और ये देखिए कितने मज़ेदार हमारे डोसे बने हैं। और साथ ही हमने लगाने हैं ये आलू, ये डोसा आलू बनाए हैं नारियल की चटनी। तो देख सकते हैं कि हमारा जो डोसा है बहुत ही परफेक्ट बन गया है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए हमारे डोसे बनकर तैयार है और देख सकते हैं कि 1 चम्मच ऑयल से मैंने ये डोसा बनाया है, कितना अच्छा क्रिस्पी बना है और कितना गोल्डन कलर आया है। ये देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारा जो सूजी डोसा बनकर तैयार हुआ है। तो ये आप किसी भी मौके पर खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, बहुत ही ईजी बनाना और बहुत ही इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरी डोसे की रेसिपी पसंद आई होगी, सूजी डोसे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने मेरी वीडियो को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलूंगी ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय।